15 साल से तू लोग जाना तरह की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बा रहे हैं, डबल इंजन के सरकार बा, दिल पे हाथ रख के बोला जब तू लोग ब्लॉक जावेला थाना जावेला तो बिना चढ़ावेला कोनो काम होला, कितना लेता है, बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है आप लोग बताओ? 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए, तो आप बताओ जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया, जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बने घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, यूपीए की सरकार थी, बताओ लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मड़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में समुन्द्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, और बिहार से एक चौथाई जितना छोटा छोटा राज है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं, मजदूरी जाता है कि नहीं पंजाब, जाता है कि नहीं हरियाणा, क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? जो व्यक्ति 15 साल में ए हिसुआ की जनता, नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं दिया किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बूझो तरह कि ना बूझो तरह, बूझो तरह तो हाथ उठा के बतावा, बूझो तरह तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है, हम नवरात्र कहनी है, कलश की स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली, हम झूठ ना बोले, हम जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता, जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता। तू लोग बतावा एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है, हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी जो कहा ओकरा के पूरा करें, हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है, उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी, आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है,
15 साल बीजेपी सरकार में है, आप बताते हैं रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। होना चाहिए, अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे, पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर, अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगत रहे। बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2,000 किलोमीटर तक, 1,500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलत रही 1,500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहते रहे कि जो जहां है वहीं रहो, बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो, हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है, कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%, 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का, 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है, लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी, बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदाधिकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए, 500 रुपया लगता है, 1,000 रुपया लगता है, 4-4 बार भर ले भरे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायक समूह हैं, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी दी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4,000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षक वाले लोग, कितना नीतीश जी ने आपको लाठी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप हम लोगों की सरकार बनेगी तो आपको समान काम समान वेतन देने का काम हम लोग करेंगे। कई बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछिए वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मिलता है तो समय पे नहीं मिलता, मिलता तो 400 रुपए मिलता है, वो 400 रुपए को हम लोग 1,000 करने जा रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई लोग, मुद्दे की बात कर रहे। देखो हम नौजवान है, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवा किसान बेरोजगार मजदूर शिक्षा स्वास्थ्य इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े जाति के हो, चाहे दलित जाति के हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन भटना नहीं है,
काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे, तुम लोग हाथ उठा के हमरा के राहुल जी के निश्चिंत कर दो। अरे निश्चिंत कर दो हाथ उठा करके, अरे चितावे के बना। अब जाता नहीं सरकार बनावे तो नवा लोग के आशीर्वाद बनो। तो लड़े के बाद और जीते के बाद ए भाई लोग 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाई। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा, 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है और हम और राहुल जी जनता के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।